मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है, मैं महाराजा कैटर्स का ओनर हूँ। पिछले 25-30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैटरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 30 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कैटरिंग में और इवेंट्स वगैरह में। तो भाई पिछले 3 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से जितने फंक्शन हॉल्स है, बड़े बड़े फंक्शन हॉल्स है, और हमारे ख़ास तौर पे मेरे और जो बावर्चियाँ हैं हैदराबाद के और सारे हिंदुस्तान के, बहुत लोग इतने परेशान हैं। जो आदमी 50 साल से बावर्ची का काम कर रहा है, रोटी डाल रहा है, वो दूसरा अब क्या काम करेगा, क्या मोटरसाइकिल का काम करेगा, वो क्या ऑटो चलाएगा। तो ऐसे जो हर फील्ड में, जो खाने पकाने की जो हर फील्ड में है, हर एक महकुमे से, हर बच्चे से बच्चा आदमी परेशान है इस वक्त। रोटी के लिए बटलर हो, लेडीज वेटर्स हो, फ्लावर डेकोरेशन वाले हो, रेंटे कार वाले हो, हर इंसान, हर लड़का, हर आदमी इस वक्त बहुत परेशान है लॉकडाउन, ये शादी खाने बंद होने की वजह से, शादी खाने नहीं होने की वजह से। तो इसके लिए कौन फिक्र करेगा, किसको फिक्र करना चाहिए इनकी रोटी रोजगार चलने के लिए। शादी के रुखे जो प्रिंट करते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस वालों का काम नहीं चल रहा, प्रिंटिंग प्रेस नहीं चल रहे, रुखों का कारोबार नहीं चल रहा, अनाज वालों का कारोबार, जो लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के मुर्गियां कटते थे, वो मुर्गियां नहीं कट रहे हैं इस वक्त। चिकन सेंटर्स बंद हो गए हैं, मटन वालों के दुकान बंद हो गए, किराने वालों के पास जो लाखों रुपए का बिल बनता था, वो हो चुके हैं। तो इसके बारे में कौन सोचेगा, हुकूमत सोचेगी या आम आदमी सोचेगा। बहुत से लोग परेशान हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े शादी खाने जिसमें 100-200 लेबर है, किंग पैलेस है, रेड रोज है, एचएफ फंक्शन हॉल है, विंटेज गार्डन है, महबूब प्राइड फलों के 3 फंक्शन हॉल है, उनके 3 फंक्शन हॉलों का स्टाफ रात दिन बैठा हुआ है, राजमहल है, बड़े बड़े फंक्शन हॉल है हैदराबाद में, जो करोड़ों रुपए का काम करते थे, करोड़ों रुपए की उनकी इनकम थी, वो सब बंद हो गए। खासतौर पर लेबर तबका जो बावर्चा इस वक्त बहुत बेकार है, उनके बारे में हमको सोचना चाहिए, सबको मिलके इनके खिलाफ क्या करना चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनको प्लीज, हमारे असद भाई है इस वक्त, अकबर साहब है, मेहराज हुसैन साहब है, और मजलिस के सारे रुकून इन चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। MIM जो है, हमारे पार्टी है, जो MIM इस वक्त हिंदुस्तान में जो छाई हुई है, हैदराबाद में जो छाई हुई है, उन सबसे गुजारिश है कि इसका काम जल्द से जल्द स्टार्ट करें, ताकि हमारे बावर्ची भाइयों के लिए, लेबर के लिए, लेडीज वेटर्स परेशान है इस वक्त, ड्राइवर्स परेशान है, बाहर बहुत से लोग परेशान है, इसके लिए प्लीज आप लोग कुछ ना कुछ कीजिए, बड़ी मेहरबानी। मैं अशफाक महाराज से, आपको हुकूमत तेलंगाना से आप क्या चाहते हैं सर? पूरा लॉकडाउन खत्म हो चुका है, ये चीज बंद है, तो आप इसको खोलने के लिए? जब सारी चीजें खुल गई हैं, हजारों लोग मार्केट में फिर रहे हैं, आप रईतो बाजार चले जाइए, बिना किसी सोशल डिस्टेंस के सारे लोग फ्रूट मार्केट, जहाँ होलसेल जो कुत्तापेट मार्केट है, वहाँ बगैर मास्क के, बगैर डिस्टेंस के फिर रहे हैं, रेतु बाजार में, फ्रूट मार्केट में, इधर उधर जब सारे लोग फिर रहे हैं, तो ये शादी खानों में क्यों वो हो रहा है भाई? जहाँ शादी खानों में जब 2000 की दावत है, कम से कम 500 का तो वो करिए। एक आदमी एक टेबल जो है ना, यहाँ से लेके फिर 2 फीट के बाद में, 5 फीट के बाद में दूसरा टेबल रख के, उस तरीके से कुछ इंतजाम करके हम लोग जो है ना फंक्शन हॉल चलाना चाह रहे हैं। इसकी इजाजत चाहिए बस हुकूमत, KCR साहब से, महमूद अली साहब से, जो भी हमारे हैदराबाद के जो KTR साहब है, जो भी हुकूमत चला रहे हैं, उससे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है। इनायत भाई हमारे बाजू बैठे हुए हैं, विजयनगर कॉलोनी के कॉर्पोरेटर है इंशाल्लाह होने वाले, और हमारे TV चैनल के तमाम भाइयों से बहुत बहुत शुक्रिया है। थोड़ी देर पहले आप बताए थे, हमसे डिस्कस किए थे, तकरीबन जो है कुछ लाख ऑफ पब्लिक बोल के बताए थे, लाखों शादी खानों के और लेबर के ताल्लुक से कितना अंदाजा? कम से कम 5 लाख आदमी बेरोजगार है, 5 लाख आदमी बेरोजगार है, लेबर तबका, इसमें बैंड वाले है, मर्फे वाले हैं, ऑर्केस्ट्रा है, सिंगर्स है। अब सिंगर जाके क्या कोई जो 20 साल से जो गाने गा रहा, क्या वो ऑटो चलाएगा या किराने की दुकान खोलेगा या सब्जी बेचेगा? हैदराबाद में जो लोग हैं, बड़े बड़े जो
काम दूसरे काम करते थे, आज तो लोग प्याज बेचना शुरू कर दिए, सब्जी बेचना शुरू कर दिए साहब। तो ये आपका डिमांड अच्छे अच्छे पड़े थे लोग, लॉकडाउन जिस तरीके से खत्म हुआ है, आपका डिमांड ये है कि जल्द से जल्द इसको ओपन किया जाए, उसके जो भी पाबंदियां हैं उसके पाबंदियां नाफिज करे, उसके हिसाब से इंशाल्लाह ताला हम लोग सब कुछ करेंगे। आप लोग इस पे जो है बराबर जो है बराबर इंशाल्लाह 100% सैनिटाइजर, ड्रेसेस, वेटर के हम लोग सारी चीजें सिला चुके हैं, ग्लव्स, हर चीज इंतजाम करके रखे, हमारे फंक्शन हॉल वाले तैयार है देने के लिए। तो ये इसके बारे में आप ही एक सब आप ही आज एक इंटरव्यू दिए हैं, शायद प्रीवियस में लॉकडाउन में और कुछ आए थे इंटरव्यू, लेकिन आपकी क्या यूनियन नहीं है क्या, ये यूनियन क्यों फिर आगे नहीं आ रही? यूनियन अभी हम लोग बनाए है, एक कमेटी शादी खानों की बनाए है, मगर आजकल सब यूनियन कहाँ चलते हैं, सब अपने मफाद के लिए काम करते हैं, मगर मैं इसलिए क्योंकि हमारे पास जो लेबर है बावर्चियां हैं, खासतौर पर बावर्चियां और हैदराबाद में लेडीज वेटर का भी काफी रिवाज चल चुका है, लो तबके वाले बहुत परेशान है, बच्चियां 500-500 रुपए 300-300 रुपए में जो काम करते थे आज उनके पास खाने खाने को नहीं। तो आप इस बारे में उनको कुछ जाके नुमाइंदगी किए हैं क्या? नहीं सब नुमाइंदगी क्या करेंगे, वो इस वक्त इतने बिजी है, हमारे अकबर साहब हो या असद भाई हो, जो लॉकडाउन में जो लोगों की जो हेल्प किए हैं, जो पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में किसी मुल्क में किसी कंट्री में इस ताल्लुक से नहीं हुआ होगा, जो करोड़ों रुपए जो है ना MIM गरीबों की उसके लिए खर्चा करी है, इसमें हजार साल तक MIM अब जिंदा हो चुकी है पूरी दुनिया के लिए। 6 करोड़ का राशन बांटे हैं अकबर की नवीसी साहब, राशन के अलावा भी कई फंक्शन हॉल वाले बांटे हैं, और अकबर की नवीसी साहब हमारे बैरस्ट तेलंगाना में बल्कि आंध्र प्रदेश में भी काम अच्छा चल रहा है आपका, आपके काफी ब्रांचेस है अल्हम्दुलिल्लाह, और छोटे से छोटा फंक्शन भी करते हैं आप अशफाक साहब, और अशफाक साहब 01-474-8558 फिर से बोलिए 901-474-8558। इंसान तो इंसान, जानवर भी बेरोजगार होते हैं, हो गए हैं इस लॉकडाउन में, जो बारात में जो घोड़े घोड़िया जो दूल्हा बैठता है वो लोग तक चारा नहीं मिल रहा है, वो लोग भी बेरोजगार हो गए, घोड़े भी घोड़िया भी बेरोजगार हो गए, ऑर्केस्ट्रा बेरोजगार हो गया, बाजा बजाने वाले बेरोजगार हो गए हैं, अब क्या करना है इसका कुछ समझ नहीं। ऐसा दिख रहा है कि एक वाहिद एक जो है निजाम कैटर्स है अशफाक साहब, महाराजा कैटर्स जो इस पूरे शादी से लेके जितने उसमें जो है वाबस्ता है, उन्हीं लोगों का दर्द, वाहिद आदमी हमको दिख रहे हैं आप मीडिया के थ्रू, आप एक आवाज उठा रहे बस इत्तेफाक से आप लोग आज आ गए, अल्लाह आप लोगों का भला करे इंशाल्लाह ताला, जल्द से जल्द सारी मेरी आप लोगों से तमाम गुजारिश है, ये हुकूमत में भी और सारे लोगों में भी आवाज चले गई तो बड़ी अच्छी बात है। सुकून से बताएंगे बाद में, अभी ये ना चल रहा ना जैसा नेक्स्ट शर्ट जाते पहले।